कृष्ण बच्चों, आज के वीडियो में हम एक ही मात्रा का अभ्यास सीखेंगे। ठीक है, तो इसका अभ्यास हमें किस प्रकार से करना है आइए जानते हैं। जब भी एक ही मात्रा लगाते हैं तो किसी भी अक्षर के ऊपर लगती है। ठीक है, अक्षर के ऊपर हम एक ही मात्रा को लगाते हैं, और इसको किस प्रकार से कहाँ जोड़ना है मैं आपको एक एक करके सभी व्यंजनों में बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले क में अगर एक ही मात्रा हम जोड़ेंगे तो ये हमारा मिल करके बनाएगा के। ठीक है, क में एक ही मात्रा जुड़ने पे उच्चारण होगा के। उसी प्रकार से ख अक्षर में एक ही मात्रा को जोड़ेंगे तो मिल करके बनाएगा खे। ठीक है, ए छोटा ए जो होता है उसकी मात्रा इस प्रकार से लगती है, और जब व्यंजनों पे लगती है वो तो ऊपर की तरफ हम उसे जोड़ेंगे और उसका उच्चारण इस प्रकार से करेंगे। जब आपको व्यंजनों का उच्चारण आ जाएगा सिंगल में, तभी आप शब्दों का भी उच्चारण सही तरह से कर पाएंगे। तो अगला हमारा व्यंजन है ग। ग में हम एक ही मात्रा जोड़ेंगे तो हमारा उच्चारण होगा गे। इसी प्रकार से घ में जोड़ेंगे तो घे। ठीक है, अंगम जो रहता है उससे कोई शब्द शुरू नहीं होता है, तो इसलिए अंगम में हम एक ही मात्रा नहीं लगाते हैं। तो अगला हमारा जो बनेगा वो च बनेगा। तो च में जब हम एक ही मात्रा हम जोड़ेंगे तो हमारा उच्चारण हो जाएगा चे। इसी प्रकार से छ में जोड़ेंगे तो छे। ज में जोड़ेंगे एक ही मात्रा तो उच्चारण होगा जे। झ में जोड़ेंगे एक ही मात्रा, उच्चारण होगा झे। ठीक है, इया जो अक्षर होता है इया में भी मात्रा नहीं जोड़ी जाती है, क्योंकि इया भी जो रहता है उससे भी कोई शब्द शुरू नहीं होता है, वो संस्कृत वर्णों में या किसी व्यंजन के बीच में, शब्दों के बीच में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ट। ट में हम एक ही मात्रा जोड़ेंगे तो हमारा उच्चारण होगा टे। ठ में हम एक ही मात्रा जोड़ेंगे तो हमारा उच्चारण होगा ठे। ड में एक ही मात्रा जोड़ेंगे तो हमारा उच्चारण होगा डे। ढ में एक ही मात्रा जोड़ेंगे तो हमारा उच्चारण होगा ढे। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से सारे व्यंजनों में हमें एक ही मात्रा जोड़नी है और हमें सही प्रकार से अभ्यास करना है उनका उच्चारण करके। नेक्स्ट हमारा आता है ड। ड भी मैं यहीं पे बता देती हूँ, ड में जब एक ही मात्रा जोड़ेंगे तो उच्चारण हो जाएगा डे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है त। त में हम एक ही मात्रा जोड़ेंगे तो हमारा उच्चारण हो जाएगा ते। थ में एक ही मात्रा जोड़ेंगे थे। द में एक ही मात्रा जोड़ेंगे दे। ध में एक ही मात्रा जोड़ेंगे धे। देखिए बच्चों, आपको सही प्रकार से उच्चारण सीखना है। थोड़ा भी आप मिस्टेक करेंगे तो हिंदी के जो साउंड्स होते हैं वो वाइब्रेशन वाले साउंड होते हैं, तो वाइब्रेशन की वजह से आपको मिक्स हो सकता है। तो आप हर एक अक्षर का एकदम स्पष्ट रूप से उच्चारण करेंगे। न में एक ही मात्रा जोड़ेंगे ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है प। प में एक ही मात्रा जोड़ेंगे पे। ह में एक ही मात्रा जोड़ेंगे फे। ब में एक ही मात्रा जोड़ेंगे बे। भ में एक ही मात्रा जोड़ेंगे
म में ए की मात्रा जोड़ेंगे में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें सबका उच्चारण करना है। पहले मैं आपको इसे लिख करके बता देती हूँ, फिर इस तरह से आप अभ्यास करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको मिला के किस तरह से हमें पढ़ना है वो मैं आपको एक साथ बता दूंगी। य में ए की मात्रा जोड़ेंगे ये, र में ए की मात्रा जोड़ेंगे रे, ल में ए की मात्रा जोड़ेंगे ले, व में ए की मात्रा जोड़ेंगे वे, श में ए की मात्रा जोड़ेंगे शे, ठीक है। इसी प्रकार से षटकोण ष में ए की मात्रा जोड़ेंगे तो शे इसका भी उच्चारण होगा। इस श का और इस श का दोनों का हमें समान उच्चारण करना है। फिर ये छोटा सा है, इस स में ए की मात्रा जोड़ेंगे तो हमारा उच्चारण हो जाएगा से, ठीक है। ह में ए की मात्रा जोड़ेंगे हे, छ में ए की मात्रा जोड़ेंगे छे, त्र में ए की मात्रा जोड़ेंगे त्रे, ज्ञ में ए की मात्रा जोड़ेंगे ये, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमें सभी अक्षरों का उच्चारण करना है। आइए उच्चारण करते हैं। के खे गे घे, चे छे जे झे, टे ठे डे ढे ढे, ते थे दे धे ने, पे फे बे भे मे, ये रे ले वे शे, शे से, हे छे, त्रे गे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ए मात्रा का उच्चारण होता है। आपको इसी तरह से ए का अभ्यास करना है ताकि जब आप शब्दों के साथ इसे जोड़ेंगे तो सही तरह से आप उसको पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे। आपको जो बोलना है, जो आपकी ध्वनि निकलती है, उसे आपको ध्यान से सुनना भी है। जब तक आप उस पर ध्यान से सुनोगे नहीं, ध्यान केंद्रित नहीं करोगे, तब तक आपको लिखने नहीं आएगा। तो जब आपको पढ़ना है तो पढ़ते समय आपको सारे अक्षरों को बहुत ही ध्यान से देखना है और उसको खुद की आवाज़ को सुनना है कि आपके मुंह से बोला गया अक्षर क्या उच्चारण कर रहा है और क्या ध्वनि उसकी आपको सुनाई दे रही है। तो इसको स्पष्ट रूप से आपको उच्चारण सीखना है, तभी जाके आपकी हिंदी और भी अच्छी हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आऊँगी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।